जैसा कि हमने पीजीटी के लेवल पे पीजीटी एग्जाम्स के लिए टीजीटी एग्जाम्स के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कल बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट वीडियो की लास्ट में मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले को एक बार फिर से हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में त्रिकोणमितीय अनुपात में रखा था मैंने, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस और फॉर्मूले दोनों डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट पे उतना ज़्यादा फोकस न करते हुए हम लोग ज़्यादा टाइम आज क्वेश्चन के साथ में देने वाले हैं। ठीक, तो एक बार हम रफली रिविजन कर लेते हैं कल की क्लास का। क्या है कि जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, जैसा कि हमने यहाँ पे सारे सारे अभी तक जो हमने पढ़े हुए थे वो राइट एंगल ट्राइंगल के अलॉन्ग था, तो इसमें एक एंगल मान लीजिए बी है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज पे बना हुआ है। तो अब हम आज करने क्या वाले हैं, एक्चुअल में वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर एंगल बी जो है वो थीटा है, तो यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूले लिखे जाएंगे क्या, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो सकता है। लंब यहां से क्या हो सकता है, थीटा के सम्मुख जो भुजा है, थीटा के सम्मुख, इस कोण के सम्मुख, जिस कोण को आपको फाइंड करना है, जिसके कोण के हिसाब से हमें चलना है, उस कोण की जो सम्मुख भुजा है, इसी सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, इसी सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसी सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। और जिस पर यह कोण बना होता है या जिस पर यह कोण रुका होता है उसे हम इसकी क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। संलग्न मतलब, संलग्न शब्द का मतलब क्या होता है, कोण से लगी हुई भुजा जो होती है उसे हम संलग्न भुजा कहते हैं, उसी से जुड़ी हुई। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। और 90 डिग्री जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है, कोण होता है आपके त्रिभुज का, उसके अपोजिट जो भुजा है हमारी, उसके सामने की जो भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। तो क्लास इसमें अगर हम साइन थीटा के बारे में बात किया जाए, तो साइन थीटा जो होता है आपका लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अगर हम लंब और कर्ण को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें तो यहां से कॉस थीटा हमारे पास किया जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार जो होगा हमारा क्या यहां पे होगा, वो हो जाएगा एसी, सॉरी बीसी बटे एसी। लंब कर्ण और आधार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लंब को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को हम कहते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और कर्ण को कहते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कॉस थीटा आपका यहां पे, अगर साइन थीटा हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा जो होगा उसको क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं तो इसको हम पी अपॉन बी, और इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनस एच लिख सकते हैं, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। इस तरीके से हम यहां सब ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं क्लास। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें टैन की, तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं,
टेन को क्लास, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, अनुपात होता है, और इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन बी सी। इस तरीके से हम यहां पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। सो क्लास, ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन्हीं के बेस पे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने कुछ फॉर्मूले, अगर यहां पे बात किया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर हम बात किया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर हम एंगल ए को बोला जाए, एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल सी का जो योग होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से अगर हम एक, देखो एंगल सी हमारा क्या था, थीटा था, तो यहां से अगर हम एंगल ए निकाल लिया जाए तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम, अगर एंगल ए के बारे में बात किया जाए, मान लो हमें फाइंड करना होगा क्या, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए क्या हो जाएगा, अब जरा फिगर में थोड़े से चेंज आ रहे हैं, हम उसको रेड पेन से इंडिकेट करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब ए के सम्मुख जो भुजा होगी, ए के सम्मुख जो भुजा है वो हो जाएगी यहां पे लंब, और ए जिस पर बना है वो हो जाएगा हमारा आधार, कर्ण हमारा सेम रहेगा। तो यहां से हमारे पास में लंब बटे आधार के हिसाब से क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब जरा ध्यान से देखिए आप, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो इस तरीके से हमारे पास, जरा हम इन दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट करें, मतलब कॉस थीटा बराबर देखिए बी सी अपॉन ए सी है, और साइन 90 माइनस थीटा भी बी सी अपॉन ए सी हो गया। तो मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज के लिए, किसी समकोण त्रिभुज के लिए बात किया जाए, तो वहां पर हमारे पास में साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरीके से क्लास हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन थीटा मतलब टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब ये साइन, ये आपका कॉट थीटा क्या है, दरअसल साइन का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉसेक, मतलब कॉसेक की का मान जो होगा 1/sin θ होगा। अच्छा, इसका अगर हम देखा जाए तो रेशियो क्या होगा, वो होगा कर्ण और लंब का रेशियो। इसी तरीके से क्लास हम लिखना चाहें तो कॉस का भी लिख सकते हैं, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब प्रतिलोमवितीय फलन क्या होगा हमारा, sec थीटा बराबर 1/cos θ। प्रतिलोमवितीय फलन को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमवितीय फलन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अगर कहीं पे प्रतिलोम वित्तीय फलन आता है हमारे पास में, प्रतिलोम वृत्तीय फलन अगर कहीं पे आता है तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो जो हमारे पास में साइन थीटा है उसका प्रतिलोम वित्तीय फलन क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा का प्रतिलोम क्या होगा, सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का प्रतिलोम क्या होगा, कॉट थीटा, और इसको हम लिखेंगे 1/tan θ। अच्छा, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब।
इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को यहां से देख सकते हो। ये कुछ हमारे फॉर्मूले बनते हैं यहां पे, ठीक। क्लास जैसा कि कॉम्प्लीमेंट मैंने दिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या होगा, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेक होगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा और कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन होगा। सेम इसी तरीके से साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होगा एंड टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होगा। तो प्रतिलोम द्वितीय फलन मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में अंतर होगा। रेसिप्रोकल फंक्शन कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू उनके रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन के अलोंग चले तो वो आपका क्या होगा, उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे उनके बीच में परिवर्तन होता है। तो क्लास इस तरीके से हम कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक। इनकी प्रूविंग अगर देखी जाए तो बहुत आसान है, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको अकॉर्डिंग बताया अभी कि अगर एंगल के अकॉर्डिंग किया जाए किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो हम यहां से ये चीजें रख सकते हैं। ओके क्लास, क्लास इसके अलावा कल मैंने कुछ फॉर्मूले और डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे, वो थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो अगला टॉपिक है हमारे पास में क्लास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्लास ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर आइडेंटिटी के बारे में बात किया जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है यहां पे, सॉरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, क्या कहते हैं इसे हम, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। तो मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होती है, कौन कौन सी होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये तीन मुख्यतः हमारे पास में सर्वसम्मिका होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होती है। इनकी हेल्प से अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास में बेसिकली इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं, ठीक। क्लास सबसे पहले इसको अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट हो इन फॉर्मूले में तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक। सो क्लास अब हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यहाँ आज के लेक्चर का मेन पॉइंट जो है हमारे पास में, जो एग्जाम में हमारे यहाँ पूछा जा सकता है। क्लास आज के क्लास में मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पुट कर रहा हूं जो इन फॉर्मूले से रिलेटेड है, बाकी के फॉर्मूले में नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर मैं उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक। सो क्लास आज के क्लास के लिए हम कौन से क्वेश्चन रखने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका पे के बेस्ड पे और
त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे। जैसा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम रखे हैं यहाँ पे, तो जो मैंने रखा हुआ है वो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी कॉट की पावर 4 थीटा होगा यहां पे, बराबर कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? शो दैट। क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास में? क्वेश्चन हो सकता हो शो दैट के फॉर्म में आए, हो सकता हो हमारे पास में गिवन हो कि इनका रूपांतरित जो आपका होगा, रूपांतरण इनका, या फिर इनका मान होगा। बाकी आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट की पावर 3 थीटा प्लस कॉट थीटा, या कुछ इस टाइप के ऑप्शन आपके यहाँ दिए जा सकते हैं। तो इनके करने का, सोल्यूशन करने का तरीका क्या हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक क्लास, इसके बाद में जैसा कि हमें पता है कि कॉट की पावर 4 थीटा को हमें टच नहीं करना है, हमें टच क्या करना है, हमें टच करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा को। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें एक सर्व समीका याद आ रही है क्लास। क्या है सर्व समीका हमारी? जैसा कि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका यह मतलब है हमारे पास में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? क्लास थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्लीज नोटेड इट। यहां पे हमारे पास में क्या आएगा, यहां पे है क्वेश्चन में कॉसेक की पावर 4 थीटा। क्लास थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे कॉसेक की घात 4 थीटा है हमारे पास में, 4 है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो बोथ में देखो ध्यान से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसा कि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक को हम फिर कन्वर्ट कर देंगे कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। अच्छा ये 1 यहां से 1 कट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से अगर हम कॉट का अंदर गुणा कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की घात 4 थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये प्रूफ होता है कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अगर मॉडिफाई करना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक, यही हमारा RHS है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया था और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ से सॉल्व किया था, बायां पक्ष लेके मैंने क्या किया, दायां पक्ष प्रूफ करने की कोशिश की है। ओके क्लास, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली क्या किया, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना था कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमें पता है कि इसमें सारे के सारे कॉसेक टर्म को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक सर्व समीका याद आई यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, फर्स्ट से यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बोथ में था, तो मैंने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले दिया, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि हमें कॉट के ही टर्म में सारे फंक्शन लाने हैं। देन आफ्टर हम इनको सॉल्यूशन करते हुए आए तो आगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट किए, 1 से 1 कैंसिल आउट होते हुए देन आफ्टर हमको सॉल्यूशन मिला क्या,
कॉसेक स्क्वायर कॉसेक सॉरी यहाँ पे कॉट कॉट की पावर 4 थीटा माइनस प्लस कॉट पावर 2 थीटा इज इक्वल आपका यही आपका प्रूफ करना था ठीक। सो क्लास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है यदि कॉट की घात 2 माइनस कॉस की घात 2 बराबर सॉरी यदि ये है तो इसका रूपांतरण हो सकता है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं क्लास, कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास में कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक ए इंटू साइन ए, दूसरा सॉरी साइन ए नहीं टैन ए, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में टैन ए इंटू कॉस ए, एंड तीसरा है हमारे पास में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, एंड आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है कॉस की पावर 2a इंटू कॉट की पावर 2a। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्वेश्चन हो सकता है ठीक। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका कैसे दिया जा सकता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में क्लास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कॉट की पावर 2a माइनस कॉस की पावर a, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें देना। अच्छा कॉट को हम लिखना चाहें तो क्या हम कॉस की पावर 2a अपॉन साइन की पावर 2a माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं? कैसे, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कॉट a जो होता है इसको हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a, तो यहां पे हम उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लास अगर ध्यान दो तो इन दोनों फंक्शन में हमारे पास कॉस स्क्वायर कॉमन है, वी कैन टेक क्या यहां से हम कॉस स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे हुआ कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन साइन जो है ये है प्रतिलोम वित्तीय फलन किसका कॉसेक का। तो इस तरीके से हम यहां लिख सकते हैं। अच्छा जैसा कि हमें एक सर्वसमिका भी पता है, क्या सर्वसमिका है कॉसेक की पावर a कॉसेक की पावर 2 प्लस बराबर 1 प्लस कॉट की पावर 2a। तो इसका यह मतलब है कि यहां पे अगर हम 1 को बाएं पक्ष में भेजें तो हमारे पास एक फॉर्मूला और हो सकता है कॉसेक की पावर 2a माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर a। तो यहां से हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर a, दैट इज हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा क्लास, वो मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए।
जरा ध्यान दो, तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिख रहा है क्लास, वो है फोर्थ ऑप्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही आएगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो क्लास, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक क्लास, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन करना क्या है, आपको प्रूफ करना है। कह रहा है कि यदि, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि यक्स बराबर, यदि एक्स बराबर, सॉरी एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर एम, तथा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर एन। आप माइनस कर लीजिए, तो क्या प्रूफ करना है आपको, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे किया जाता है क्लास, इसमें देखो हमें करना क्या है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर निकालना है। मतलब हमारे पास जो एम है और एन है, इनका क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। तुम समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण दो, का वर्ग करके क्या करें, जोड़ दें। जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, यहां से हमें मिलेगा एम स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब फाइनल अगर आप देखो तो वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन टेक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्लास क्या किया जाए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां से अप्लाई करने जा रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज प्लस टू ए बी, टू ए बी, तो टू ए और बी, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा यहां से, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला लिखना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लास यहां से एक बात ध्यान दो, तो क्या हो रहा है, यहां से हमारे पास में टू एक्स वाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपका कट जाएगा, बचा क्या, अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक तरफ और वाई स्क्वायर के टर्म को एक तरफ करने जा रहे हैं। तो मतलब एक्स स्क्वायर को एक तरफ, क्लास
जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लिया गया। एंड फिर क्या किया मैंने, वाई स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, मतलब वाई स्क्वायर साइन थीटा एंड वाई स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक तरफ। दोनों में देखो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है और यहां से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया। देन आफ्टर क्या मिला हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिले, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से जब वाई स्क्वायर कॉमन किया तो अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलता है। क्लियर? सो क्लास यहां पे हमने एक जैसा कि हमें पता है सर्वसमिका होती है एक हमारी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, उसी को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे अगर ये वन हो गया दोनों, हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रूफ करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से क्लास हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक, तो क्लास इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहां पे पुट किया हुआ है उस पर ध्यान रखिएगा। क्लास इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो यू कैन आस्क बाय द डूइंग कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्लास में ने रखा हुआ है वो है, शो दैट क्या शो करना है आपको, कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक ए माइनस अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन बराबर टू टाइम सेक स्क्वायर ए। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे क्लास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसका हम अगर बायां पक्ष लेते हैं, दैट इज LHS अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, तो कॉसेक बोथ में कॉमन है। अगर हम कॉसेक कॉमन कर लें, सॉरी कॉसेक ए अगर हम कॉमन कर ले तो हमारे पास बचेगा क्या, वन अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम या फिर लासा। ठीक, एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, यहां पे जैसा कि हमने भिन्नों के जोड़ में ये चीजें सीखी हैं, हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो हो जाएगा, क्लास आई होप कि कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, क्या मैंने रखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस वन इधर और कॉसेक ए माइनस वन इस साइड आ गया, एंड इन दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्लास यहां से हमें एक बात समझ में आई, क्या वन से वन विल बी कैंसिल आउट। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा यहां से कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि यहां पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो क्लास अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम करने जा रहे हैं कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि अभी भी मैंने एक सर्वसमिका का प्रयोग किया था, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर
सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो इसका यह मतलब है कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं क्लास, यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लास कॉसेक स्क्वायर ए और अपॉन कॉट स्क्वायर ए जो है, क्या इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? किस तरीके से? कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए है तो इसको हम चेंज कर दें वन बाई साइन स्क्वायर ए, और इसको हम कॉस बाई साइन, मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां से साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास में वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा हमारा, वन अपॉन कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक, जैसा कि ऊपर हमारा जब इनको हम ऐड किए हुए थे, एक सेकेंड क्लास, यहां पे हमारा टू कॉसेक ए आएगा, नॉट कॉसेक स्क्वायर ए, टू आ जाएगा। देन आफ्टर यहां पे हमारे पास जो चेंजेस आएंगे, वेट, हाँ ठीक ठीक, टू कॉसेक स्क्वायर ए, टू कॉसेक स्क्वायर ए यहां पे आएगा, बिकॉज यहां पे कॉसेक ए ऐड करेंगे तो टू कॉसेक ए मिलेगा और एक कॉसेक ए बाहर चल रहा था, तो ये कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टू कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में टू ऑलरेडी था जो कि ऐसे ही चलता रहेगा टू इंटू वन, तो यहां पे हमारे पास फाइनली प्रूफ हो जाएगा टू कॉस टू सेक स्क्वायर ए। तो इसका यह मतलब है कि हमारे पास आर एच एस क्या है हमारे पास में टू सेक स्क्वायर ए। सो क्लास इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने ऊपर देखा न्यूमरेटर में मतलब अंश में हमारे यहां कॉसेक ए कॉमन है, मैंने क्या किया कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, वन अपॉन कॉस ए माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का प्रोसेस वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, इनका आपस में गुणा कर देते हैं और इनका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट निकलेगा टू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूले से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉसेक स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रखते हुए मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, और उन चेंजेस के हिसाब से मैंने इसको क्या किया यहाँ पे कन्वर्ट किया, देन हमें यहाँ पे फाइनल एक रिजल्ट मिला जो हमें प्रूफ करना था। क्लास इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके सो क्लास दिस इज योर, ये आपका पांचवा क्वेश्चन रहा है अभी तक का। प्लस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने रखा हुआ है, वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी बोल सकते हो। क्या है वो, है हमें प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, यह प्रूफ करना है हमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये कैसे क्लास प्रूफ होगा, कैसे नहीं प्रूफ होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, अगर हम इन पे फोकस करें तो इनको करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा आप कुछ ना करो, लेफ्ट हैंड साइड लो और इनको साइन बाई कॉस एंड कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, साइन जो है ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। क्लास अब क्या करने वाले हम लोग,
अब हम एक काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे इनका हम एलसीएम लेके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एलसीएम कैसे लेंगे इसका हम क्लास? इसका एलसीएम लेने का तरीका ये होगा कि इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। जैसा कि एक अच्छी बात है हमारे पास में, क्या कि हमारा डिनोमिनेटर आ गया है, डिनोमिनेटर आ चुका है, जो हर में लाना है वो चीज़ तो हमें मिल गई। अब हमें लाना कहाँ पे है? अंश में। और अंश में लाना क्या है? केवल साइन ए और साइन बी, मतलब कॉस बी और कॉस ए को एलिमिनेट करना है। अगर हम कॉस बी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे भी कॉस ए को भी कन्वर्ट कर दूं। क्या साइन स्क्वायर बी है, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लूं, कॉस स्क्वायर ए को। डिनोमिनेटर को सेम रहने दो, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज हमें प्रूफ करनी। हम ऊपर क्या करने जा रहे हैं क्लास? अब हम उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर में। क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, अगेन साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर होल अपॉन व्हाट? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। क्लास जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो एक अच्छी बात है, क्या साइन स्क्वायर बी एंड सॉरी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी नेगेटिव का एंड साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। अब क्लास हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इस तरीके से क्लास हम यहां पे प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है, यहां पे आगे इंसान क्या होता है, डगमगा जाता है। आप लोग क्या करते हो, यहीं पे घबराना शुरू कर देते हो। अब इसको हम हटाएं कैसे कि कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर ए को, तो इसको हटाने का तरीका वही है कि हमने यहाँ पे एक सर्वसमिका का प्रयोग किया है। कौन से सर्वसमिका है? जैसा कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर वन होता है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए सॉरी दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखना सर्वसमिका में हमारा दोनों का कोण जो होगा, जो एंगल होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं उनका जो कोण होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो क्लास इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की प्लेस पे ए वाली सर्वसमिका और जब मैंने बी रख दिया तो यहाँ पे बी वाली सर्वसमिका का प्रयोग कर दिया। केवल मैंने चेंज क्या किया, कोण का बदलाव किया, एंगल का परिवर्तन किया। क्लास इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन अभी मेरे पास बचे हुए हैं, क्या है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यहां पे कॉसिक ए माइनस साइन ए, कॉसिक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस टेन ए।
बराबर वन प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, उस पर हम फोकस करते हैं। क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए सारा सारा सबसे अच्छा काम निकला होता है इसका, आप इनको 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए सब जो भी हमारे पास में है। तो दैट इज 1 कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो यहां पे यह पोर्शन ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। सिमिलरली इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड कॉस ए को इसको भी लिख देंगे 1 अपॉन कॉस में, या फिर चलो ठीक है बेहतर है। इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए कॉस ए बाई साइन ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम लेके इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा पेशेंस अपना खो देते हैं और गलतियां कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी गलतियां होती हैं यहां से, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है हमारे पास में। क्लास इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एक चीज हो सकती है, व्हाट, ये देखो एक सर्वसमिका हमें मिल रही है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, ये चीज हमारी हो जाएगी 1, और ये पोर्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इस पोर्शन को लिख सकते हैं क्या हम कॉस स्क्वायर ए। सो क्लास अब हम यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इनटू 1 अपॉन साइन ए इनटू कॉस ए। ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन को, यहां पे हम कुछ कैंसिल करने जा रहे हैं क्लास, हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का साइन इस न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर से एक साइन हमारा कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए को हम साइन इंटू साइन ए लिख सकते हैं, तो एक साइन है वहां से कैंसिल आउट हो गया, और दूसरा साइन है हमारा कहां से कैंसिल हुआ, यहां से, तो ये पोजिशन हमारा टोटल हो गया 1। कॉस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां से एक स्क्वायर यहां से कट हो जाएगा और एक स्क्वायर यहां से, तो अब ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा यहां पे 1, यही हमारा आरएचएस है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ तुम इसको बोल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, बट ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक क्लास। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाए हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास, क्या हो सकता है क्लास क्वेश्चन हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या है, cot a प्लस cos a के माइनस 1 एंड cot a माइनस cos a के माइनस प्लस 1 सॉरी प्लस 1। हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पे हमें ये प्रूफ करना है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। हाउ वी कैन, या हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, जनरली क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हड़ाट में स्टूडेंट्स करते क्या है कि इसमें आंखें बंद करके cot a और cos a को cos by sin एंड 1 by sin में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तरीके से अगर आप करोगे तो उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 पेज में सोल्यूशन करोगे और सॉल्व भी क्वेश्चन नहीं होगा, लगभग बहुत लेंदी जाएगा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। ट्रिक क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 1 है, क्या है 1, इस 1 को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस 1 को
हम करने क्या जा रहे हैं, कॉट और कौशिक के अकॉर्डिंग सर्व समीका का प्रयोग करने जा रहे हैं। कौन से सर्व समीका हमारी होती है कॉट और कौशिक की, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए की। यहां से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हम इसी सर्व समीका का प्रयोग करने जा रहे हैं इस 1 की जगह पे। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, कॉट कॉट ए प्लस कौशिक ए, इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं एंड दूसरे ब्रैकेट में हम क्या रखने वाले हैं, माइनस के साथ में, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है और यहां पे हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में हम सेम रख रहे हैं, अभी चेंजेस हम नहीं करने वाले, और जैसा कि हमने बताया एलएचएस हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो यहां पे हमारे पास में हो जाएगा कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस। क्लास अगर हम यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करना चाहें तो क्या होगा हमारे पास में, इसमें जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, पहले तुम सेम सेम लिखेंगे क्या, कॉट ए प्लस कौशिक ए फर्स्ट वाले ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए क्लास एक सेकंड रुकिएगा, कौशिक ए माइनस कॉट ए। सो क्लास अब हम क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में सेम रखना है हमको, कोई चेंज हम यहां पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा हम ऊपर ध्यान दिया जाए क्लास, ऊपर मतलब एक स्टेप ऊपर, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, हम एक चीज मिल रही है कि कॉट ए प्लस कौशिक ए बोथ में कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो हम करने क्या जा रहे हैं, कॉट ए प्लस कौशिक ए कॉमन करने जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ बचा क्या हमारे पास में क्लास, हमारे पास बचा हुआ है अभी यहां तो 1 बचा और यहां पे क्या बचा, ये माइनस का कौशिक ए माइनस कॉट ए। अब क्लास क्या किया जाए, इसमें हम कर सकते हैं, अब डिनोमिनेटर हमें सेम सेम रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रख लेना बेटा, यहां पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे स्मॉल वाला, तो यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा फाइनल, ध्यान रखना कॉट ए प्लस कौशिक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस 1। कैसे ये चीज आई, ये बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी तो फिर भी हम आपको अभी बताते हैं कैसे आई ये चीज। कहां से आया भाई, यहां पे जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस कौशिक हो गया और कॉट क्या हो गया प्लस, तो हम कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस 1 इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया। यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, ये पूरा पूरा पोर्शन जो है वो इस पूरे पूरे पोर्शन से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या ओनली कॉट ए के कॉट ए प्लस कौशिक ए, तो अब हमारे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कौशिक ए और कॉट ए प्लस कौशिक ए को क्या लिख सकते हैं, हम कॉट ए प्लस कौशिक ए को लिख सकते हैं कॉस ए
अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यही हमारा क्या है आर एच, यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा दाया पक्ष है। तो क्लास इस तरीके से हम यहाँ पे चीजें प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लास इस तरीके से मैंने आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसा कि मैंने पहले आपको उसके क्वेश्चंस करवाए थे, आज मैंने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमिका से बेस पे जो क्वेश्चंस हो सकते थे उनको मैंने यहाँ पे आज करवाए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका प्रयोग आप क्या कर सकते हो, लगाने में कर सकते हो, सर्वसमिका का प्रयोग कर सकते हो, करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और क्लास नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इससे आगे का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं उन्हीं सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और कुछ नए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हाइएस्ट स्टडी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक। ओके क्लास।